नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में बात करेंगे एक बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में जिसमें आपको लॉन्ग टर्म में एक मल्टी बैगर रिटर्न मिलेगा। दोस्तों लॉन्ग टर्म की जब बात करते हैं तो यहाँ अर्थ होता है कम से कम 3 इयर्स 5 इयर्स 10 इयर्स। जैसे अभी 3 इयर्स में भी आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता है कई सारे स्टॉक में, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा रैली कर चुका है। तो ऐसे में हो सकता है स्टॉक जो है कई सालों तक करेक्शन हो दिखाता है। जैसे रिलायंस जैसे जैसे स्टॉक 10 साल तक करेक्शन दिखाते रहा, मतलब एक ही प्राइस पर वो ऊपर नीचे होता रहा। तो इस तरह का जब आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको 3 इयर्स 5 इयर्स 10 इयर्स इवन लोग लाइफ टाइम के लिए कई सारे शेयर्स को बाय करके रखते हैं। तो लाइफ टाइम के लिए उसी शेयर को बाय करेंगे जो लाइफ टाइम तक रह सके, जैसे टाटा ग्रुप के शेयर हैं, रिलायंस के शेयर हैं। तो इन सब बातों को सीखिए, जैसे तैसे स्टॉक को मत खरीदिए और अच्छे स्टॉक को खरीदिए जो अच्छे स्टॉक लंबे समय तक रह सके। लंबे समय तक अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक रखने के लिए वो बिजनेस भी लंबे समय तक चल सके। अब आप छोटे स्मॉल कैप स्टॉक को अगर आप बाय करते हैं तो वो स्टॉक अगर बिजनेस लंबे समय तक रह सकता है तभी आप रख पाएंगे, नहीं तो वो काफ़ी ऊपर जाएगा काफ़ी नीचे आएगा, तो उसमें आपको निकलना पड़ेगा स्मॉल कैप में छोटे टाइम फ्रेम पे, तो जब तक तेजी रहती है। लेकिन जो ब्लू चिप कंपनियां हैं, कहें मिड कैप कंपनियां हैं, जिसका बिजनेस जो अच्छा हो, मार्केट लीडर हो, स्टॉक स्मॉल कैप भी चलेगा, कई सारे स्मॉल कैप स्टॉक भी मार्केट लीडर होते हैं तो वो भी स्टॉक चलेगा। तो आपको लॉन्ग टर्म में बिजनेस के साथ जाना है जो बिजनेस लंबे समय तक चल सके। तो इस वीडियो में जो स्टॉक हम लेकर आए हैं वो है मुथूट फाइनेंस। देखिए मुथूट फाइनेंस का बिजनेस काफ़ी बेहतरीन है और चार्ट पे भी देखिएगा स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया और फंडामेंटल्स भी देखें कंपनी के काफ़ी बेहतरीन है। देखिए यहाँ पर चार्ट पर बात करें तो ये स्टॉक मात्र जो है काफ़ी मतलब छोटे प्राइस का हुआ करता था, लेकिन वहाँ से काफ़ी गजब का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को और अभी देखिएगा तो काफ़ी सॉलिड रिटर्न दे रहा है। यहाँ पर देखिए 2013 में ये स्टॉक मात्र 85 रुपीज के आसपास हुआ करता था, 80 रुपीज के आसपास 13 में, और वहाँ से ये जर्नी तय किया और यहाँ पर देखते हैं 1500 रुपीज से ऊपर तक ये स्टॉक जा चुका था। अब यहाँ पर देखिए लगभग जो यहाँ पर रिटर्न है वो 18 टाइम्स का है। तो इतना बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है और इसका कारण क्या है, कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी बेहतरीन है। ये स्टॉक से पीछे रिटर्न नहीं दिया, आने वाले समय में भी आपको ये बेहतरीन रिटर्न देंगे इसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो बहुत बड़ा जर्नी तय करना इस स्टॉक को बाकी है। कंपनी अभी छोटे लेवल पे काम कर रहा है, अभी और बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, तो बस यही बिजनेस को देखना है कौन सी कंपनी आने वाले समय में अच्छा खासा अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेगी और वहाँ से आपको अच्छा खासा बेहतर रिटर्न क्रिएट करके मिलेगा। अब देखिए ये स्टॉक जो है यहाँ पर आपका जो लेवल होगा इस पे बाय करने का वो लगभग 1300 के आसपास मिल जाए तो आपको इसमें SIP स्टार्ट करना चाहिए। ऐसे ये स्टॉक यहाँ पर ब्रेकआउट दे चुका है मंथली चार्ट पर, तो जब ये मंथली चार्ट पर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर जो बहुत ही गजब का तेजी देखने मिलता है और ऐसे इस स्टॉक का जो यहाँ टारगेट होना चाहिए था वो लगभग 1500 ही होना चाहिए, जो कि टारगेट अचीव भी हो चुका है। तो यहाँ से हो सकता है ये करेक्शन दिखाए, यहाँ से ब्रेकआउट दिया है तो हो सकता है इसको रिटेस्ट करे, तो आप 1300 के आसपास जो है आता है तो बाय कर सकते हैं SIP मोड में। कभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक ही बार लमसम अमाउंट नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि लमसम अमाउंट तभी लगाते हैं जब मार्केट नीचे पे हो, मतलब मार्केट जो हमारा है निफ्टी 50 वो बॉटम बना रहो, वहाँ से गिरावट की संभावना कम होती है, तो हम वहाँ पर एक ही बार इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि स्टॉक ऊपर जाता है या नीचे, नीचे जाता है तो आप फिर उसको नीचे आने देंगे, जहाँ पर ये स्टॉक अपना बॉटम बनाएगा वहाँ पर आप फिर इन्वेस्ट करेंगे। मतलब हमेशा इन्वेस्टेड रहना है, छोटे छोटे अमाउंट में इन्वेस्ट करते रहना है। आप जो अलग अलग सेक्टर के स्टॉक सेलेक्ट करते हैं तो सारे सेक्टर के स्टॉक को रखिए अपने पोर्टफोलियो में या अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके, जैसे जैसे वो मतलब करेक्शन दिखाता है वैसे वैसे आप उसमें इन्वेस्ट करते रहिए। अगर यहाँ से ऊपर ही चलते रहता है तो ऊपर के प्राइस में हम इसमें SIP करेंगे, मतलब हर प्राइस लेवल पर उसमें इन्वेस्ट करना है। अब बात करें इसके फाइनेंशियल का, कंपनी का फाइनेंशियल काफ़ी ज़बरदस्त है। देखिए मार्केट कैप 59,000 करोड़ का है और कंपनी का जो अभी करेंट प्राइस है वो तो आपने देख लिया, लगभग 1500 के आसपास है। प्रमोटर्स होल्डिंग 73% है जिसमें कोई भी शेयर प्लेस नहीं है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 27% है और रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड 15% है, तो वो 15% चलेगा। और बहुत सारी कंपनियों के रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड आपको 30% उससे भी कहीं ज़्यादा मिलते हैं, तो वो कंपनी और भी काफ़ी बेहतरीन होती है। वहीं बात करें रिजर्व कंपनी के पास 15,000 करोड़ का है
डेट कंपनी के पास 50,000 करोड़ का है और कंपनी जो अपने डेट को मतलब बढ़ाया है, तो इस कंपनी का काम ही है बीच का इंटरेस्ट मार्जिन को अर्न करना, क्योंकि ये कंपनी फाइनेंस से रिलेटेड है। फाइनेंस की कंपनियों में पहले बताया कि डेट हर कंपनी के ऊपर देखने मिलेगा। ये अच्छा खासा डिविडेंड भी पे करती है, 1.35% का डिविडेंड यील्ड है इस कंपनी का। तो हार्ड पैरामीटर पर आप देखिएगा काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। कंपनी का जो नेट एनुअल प्रॉफिट है 3,800 करोड़ का नेट एनुअल प्रॉफिट है अभी। वहीं सारे पैरामीटर देखने के बाद आप अगर कंपनी के सेल्स ग्रोथ को देखेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त है। 2015 में मात्र 4,336 करोड़ का सेल्स था, जो कि लगातार देख सकते हैं बढ़ते गया। 2021 में ये हो गया 11,531 करोड़ का सेल्स। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 671 करोड़ का नेट प्रॉफिट था 2015 में, जो कि प्रॉफिट लगातार बढ़ते 2021 में हो गया 3,800 करोड़ का नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट भी काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ा है। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट भी काफ़ी ज़बरदस्त है। कंपनी के पास जो शेयर कैपिटल है वो 401 करोड़ का अभी फिलहाल है। रिजर्व कंपनी के पास 4,686 करोड़ का है और रिजर्व जो कंपनी लगातार बढ़ाया है 15,000 करोड़ का रिजर्व हो चुका है। और जो कंपनी के ऊपर डेट है वो तो बढ़ेगा ही, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर में काम करती है। बीच का इंटरेस्ट मार्जिन मतलब आपसे जैसे रुपया लिया और किसी और को ये कंपनी जो है लोन देगी, तो बीच का जो इंटरेस्ट मार्जिन है वो अर्न करेगी। अगर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स होल्डिंग लगभग कॉन्स्टेंट बना हुआ है 73% का, तो प्रमोटर्स होल्डिंग में कोई चेंज नहीं है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिएगा तो कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए कितना बढ़ा है, 80% यहाँ पर जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जा चुका है। तो काफ़ी ज़बरदस्त जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। तो हर पैरामीटर पर आप देखते जाइए कंपनी काफ़ी सॉलिड दिखेगी। अगर प्रोज एंड कॉन्स में देखें तो कोई भी इसमें कॉन्स नहीं है, देख सकते हैं कोई भी निगेटिव चीज़ें है ही नहीं। अगर प्रोज की बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी बेहतरीन है इस कंपनी में। पहले तो देखिए CAGR है इसका, मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो हुआ है प्रॉफिट का वो 36% से। और जो कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी है 3 ईयर्स में 26% का एवरेज रूप से है। अच्छा खासा डिविडेंड देती है 21% का। तो हर पैरामीटर पे कंपनी काफ़ी बेहतरीन दिख रही है। तो आपको हमेशा इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जब भी गिरावट हो। अब कंपनी क्या करती है तो यहाँ पर देख लीजिए, बिजनेस ऑफ डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, मतलब फाइनेंशियल सर्विस वाली कंपनी आपसे रुपया लेगा किसी और को देगा, बीच का मार्जिन इंटरेस्ट के रूप में अर्न करेगा। तो ये है हेल्थ केयर सिस्टम में, रियल एस्टेट में, देखिए फॉरेन एक्सचेंज में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इंश्योरेंस, बहुत सारे मतलब डाइवर्सिफाइड बिजनेस है कंपनी का। तो बिजनेस में कंपनी के कोई दिक्कत नहीं है, निश्चित रूप से हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब भी गिरावट मिले आप इसको इसमें इन्वेस्ट करना है। कंपनी का मार्केट कैप की बात करें 59,000 करोड़ का है, तो एक अच्छा लार्ज कैप कंपनी है। देखिए कंपनी के लार्ज कैप और मिड कैप से हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में खास मतलब नहीं है। कंपनी का जो बिजनेस होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट दे, ग्रोथ करे, तो वैसे ही कंपनियों को आपको चुनना है। बस लॉन्ग टर्म में सिंपल रूप से आपका जो वेल्थ है वो जनरेट होगा, आप अच्छा वहाँ पर रुपया अर्न कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह के अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक्स हम आपको बताते रहेंगे। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।